नमस्कार सभी को। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आरएस नैन, नैन गुरु एस्ट्रोलॉजर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूं और आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस 10 नवंबर को शुरू हो जाएगा और 11 नवंबर के दोपहर तक ही चलेगा। ये तिथि त्रयोदशी, यानी कि त्रयोदशी को धनतेरस शुभ है, मनाया जाता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और भगवान जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय भगवान धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी ने जो है अमृत कलश समुद्र से मंथन के दौरान निकाला था। यानी कि इस समय आपको ये समय बहुत शुभ होता है त्रयोदशी का। और इस दिन जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन ये त्यौहार शुभ तरीके से मनाने से धन का आगमन भी होता है, नो डाउट। माँ लक्ष्मी और जो है देवता, धन के देवता कुबेर व साथ में जो है धनतेरस के देवता का भी यहाँ पे पूजा से और उनके आशीर्वाद से धन का आगमन होता है। चलिए अब मैं बात करूँ कि ठीक है, ये समय भी शुभ है, कल जो है धनतेरस का त्यौहार का मनाने का, जो कि दोपहर को 12:45 से शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगले दिन तक चलेगा 1:30-2 बजे तक। इसके साथ साथ पूजा का समय भी जो है वो शाम को इंडियन समय के अनुसार 5:47 से 7:43 तक चलेगा, यानी आफ्टर सनसेट। और उसी तरह से परचेज का समय भी जो है वो भी काफ़ी शुभ है, इंडिया के समय से 5:30 से 8:30 जैसे कि पंचांग के अनुसार बताया गया है। उसी तरह से मेलबर्न में पूजा का समय 8:30 से 10:04 तक रात को रहेगा और इसके साथ साथ 8 से लेके तकरीबन 11 बजे तक परचेज का समय मेलबर्न में शुभ रहेगा रात्रि को। तो ये था कि ये समय पूजा और परचेज दोनों ही शुभ रहेंगे। अगर आप त्रयोदशी को 13 आइटम परचेज करते हैं बहुत शुभ। इसके साथ साथ सोना चांदी के आभूषण परचेज करते हैं और भी शुभ। और इसके साथ बर्तन वगैरह अगर आप लेते हैं, मगर बर्तन वही लेने चाहिए जो कि ज़रूरत की और असली बर्तन हों, वो लो, न कि राहु से रिलेटेड कोई कांच के बर्तन मत खरीदना। इसके साथ साथ झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी की आगमन का एक प्रतीक है। और यहाँ फिर मैं कहूँगा कि प्लास्टिक का झाड़ू मत लेना, यानी अगर झाड़ू लो तो साफ लेना, प्लास्टिक का नहीं लेना, उससे भी राहु आ जाएंगे और धन कुबेर वापिस उल्टे पांव चले जाएंगे। चलिए ये तो बात थी एक जनरल। अब इसी को मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो
तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर रहा हूँ अभी इसी चीज को, तो वो क्या है। अब सबके लिए समय शुभ नहीं हो सकता, उस समय क्या लगन होगा, जो लगन चलेगा उसके मुताबिक उस दौरान चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। अब चंद्रमा किसी की राशि में अष्टम है तो फिर यानी कि कुंभ राशि के जातक हैं जैसे, उनके लिए ये कोई ज्यादा सा धनतेरस शुभ नहीं मानूंगा मैं। उसी तरह से तुला राशि के लिए भी मैं कोई ज्यादा सा शुभ नहीं मानूंगा। तो इस तरह से हाँ, वृश्चिक राशि के लिए काफी शुभ मानूंगा, परचेज वगैरह के लिए आप इस दिन परचेज कर सकते हैं व्हीकल से लेके और नमक तक, सब कुछ भी परचेज कर सकते हैं, मगर जो शुभ मानी गई हैं कुछ चीजें उन्हीं का ही परचेज अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल धनिया का भी परचेज, साबुत धनिया का परचेज बड़ा शुभ माना गया है, उसमें एक सिक्का डालें तो धन का आगमन बताया गया और नेक्स्ट डे आप वही धनिया जो है लगा दें तो काफी शुभ होते हैं इस तरह की चीजें। और इसके साथ साथ अब मैं उसी तरह से दूसरी राशियों की बात करता हूँ। धनु राशि है आपके लिए, यानी कि ये धन का जो आगमन है आपके कार्य क्षेत्र से फायदा करेगा। उसी तरह से मकर राशि है, आपका जो ये शुभ फल देगा वो आपकी यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्ट से फायदा करेगा, लॉन्ग जर्नी से भी फायदा होगा। देश विदेश में कहीं जाने के होंगे साधन तो वहां भी धन का आगमन के आपको हालात अच्छे बनाएगा, मगर कुंभ राशि के लिए मैं कोई ज्यादा शुभ नहीं मानूंगा। और उसी तरह से मीन राशि के लिए भी आपका शादी विवाह से मामले में धन का आगमन के योग अच्छे हैं, सर्विस वाली जो है स्पाउस मिल जाए, मियां बीबी में से कोई आपस में, या अच्छा बिजनेस वाला मिल जाए तो वो भी एक धन का आगमन ही है। इस तरह से यानी कि काफी शुभता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कई राशियों की। उसी तरह से जैसे कर्क राशि है आपको भी शुभ है, और सिंह राशि का जैसे मैंने बताया कि उसके लिए भी कुटुंब परिवार में धन का आगमन के अच्छे आसार हैं। और इसके साथ साथ जैसे मेष राशि है तो वहाँ आपको कर्जे वगैरह से भी निजात के ऐसे समय में हालात अच्छे बन सकते हैं धन कुबेर की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से। और जो है इसी तरह से टॉरस राशि है, वृषभ राशि जिसको कहते हैं, तो आपके भी जैसे आपकी औलाद के लिए कोई अच्छी नौकरी का योग बन सकता है, इसी तरह से कोई स्टूडेंट कोई हायर एजुकेशन में फेलोशिप स्कॉलरशिप, मतलब इस तरह से धन के योग आपके लिए भी अच्छे बनेंगे। अब मिथुन राशि है, यहाँ आपके लिए कोई गाड़ी वगैरह परचेज करना है, ऑटो कुछ भी है तो साइकिल से लेके हवाई जहाज तक, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा है समय। तो इस तरह से जो मैंने बताया कुछ राशियों के लिए ठीक नहीं भी है, तो वहाँ मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे समय में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से ज़रूर, और इसका फायदा उठाएं धनतेरस का, क्योंकि कार्तिक मास की जो है त्रयोदशी आपको धन आगमन के लिए आई है, उसका फायदा उठाइए। ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से था। इसी तरह से मैंने आपको इंडिया और मेलबर्न दोनों का बताया, समय भी पूजा का भी और साथ में परचेज का भी, उसके हिसाब से आप अपना मनाएं। और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें,
और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं तथा और आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और आपको दोबारा से शुभकामनाएं धनतेरस की। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।